is happening in Lok Sabha? How can you discuss it? Are you coming? पूरे मीडिया में चर्चा हो गया, सारे अखबार, सारे मीडिया, पूरे देश में चर्चा हो गई कि कल पार्लियामेंट में इनकम टैक्स में अमेंडमेंट बिल जो लाया गया उसमें क्या क्या क्लास दिए गए, इधर कोई हिडन नहीं रह गया। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें जो मीडिया में प्रचारित हो ठीक है, इसलिए उस पे हमको बिल इधर मैं उठाना क्या चाहता हूँ, ये तो सुन लीजिए, मैं उठाना क्या चाहता हूँ। सिमन, हमको मनी बिल में कुछ व्हाट आई एम सी आई एम नॉट गिविंग एनी रूलिंग नाउ, आई एम ओनली एडवाइसिंग यू, यू कैन टेक इट अप व्हेन दैट बिल इज ब्रॉट हियर, नॉट नाउ, दैट इज द ओकेशन। मैं उठाना क्या चाहता हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू, उठाना जो चाहता हूं आप कंक्लूजन तो सुन ले, मैं क्यों लाया कंक्लूजन तो सुने, बिना कंक्लूजन के आप डिसीजन लेने लगे, कंक्लूजन तो हमारा सुन ले। क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि इस सदन को ये अधिकार है कि अगर इस प्रकार का कोई बिल आए, 186 के 6 पढ़ लीजिए, हमको संशोधन करने का अधिकार है, संशोधन करके भेज दे, संशोधन का हमको अधिकार है। हम कह रहे हैं क्यों ना इस सदन की एक कमेटी बना दी जाए, इस सदन में चर्चा के बाद, मैं इस मारे कह रहा हूँ, आज एक एमपी लोकसभा ने आज सोशल मीडिया पे मांग करी कि राज्यसभा के बारे में एडवाइस दीजिए कि राज्यसभा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने कहा, एक किसी मेंबर ने मांग करी, मैं कह रहा हूँ इस सदन में डिस्कशन होना चाहिए। सिवन, इसको आप स्वीकार कर लें, मैं कह रहा हूँ आज नहीं, अगले दिन कोई दिन रख लें, स्वीकार करके एक कमेटी ऐसी बना दीजिए जो कम से कम इस पर विचार कर ले कि भविष्य में इस सदन की गरिमा रखने के लिए आखिर एक संविधान के अनुच्छेद 110 में कोई अमेंडमेंट कराना है, कोई बदलाव कराना है, नियमावली में कोई बदलाव कराना है, तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि कोई आप रूलिंग दे दे। सर, जो नरेश जी ने बात उठाई है वो इसलिए इसका रिलेवेंस है, एक बार उसका रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि बिल सर्कुलेट हो चुका है, लोकसभा में मनी बिल करके उसको पेश हो चुका है, तो इसका मतलब राज्यसभा में आना ही है, जब आना ही है तो आपको बिल मिला, अंडरमाइन करके जितने आपको बिल मिला है, नहीं सर्कुलेट हो गया, बिल मिल चुका है, मेंबर्स को सर्कुलेट हो गया है बिल, तो जब सर बिल को पहले उन्होंने मनी बिल कर दिया जिसपे ऑब्जेक्शन है इस सदन को कि राज्यसभा को अंडरमाइन करके राज्यसभा की गरिमा कम करके उसको पास करती, तीसरी बार हो रहा, तो अभी से कुछ करना चाहिए, तो कमेटी का सुझाव है, हम सब इसका समर्थन करते हैं कि राज्यसभा की गरिमा गिराई जा रही है, कमेटी बनाई जाए और वो तय करे और तब फिर जो है नियम जो भी हो, लेकिन इस सदन में बैठे हुए सारे लोगों का ये कर्तव्य है कि वो इस सदन की मर्यादा को, गरिमा को और इस सदन का जो यशस्वी इतिहास रहा है उसको कमज़ोर न होने दें। जिस तरीके से कई बिल्स को यहाँ रोकने के लिए कि इस पर कुछ न कर सके, डिसीजन न ले सके राज्यसभा, ये जो कार्रवाई की जा रही है ये उचित नहीं है। दुनिया का खास तौर से जो हमारा संविधान बना है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मूल, इसमें एक मिनट बताना चाहता हूँ आपको, मूल संस्था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही थी, 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पार्लियामेंट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, धीरे धीरे कॉमन सभा बनी और लोग कहने लगे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वहाँ की लॉर्ड सभा इनएक्टिव थी, इस वजह से वो सारे अधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स को चले गए, यहाँ की राज्यसभा बहुत एक्टिव है, इसलिए यहाँ के अधिकारों को, सारे अधिकारों को लोकसभा को सौंपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कहाँ से चली संस्था, उसके मूल में यही सदन रहा, जहाँ से ये व्यवस्था शुरू हुई है उसके मूल में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को गिरने न दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सत्ताधारी दल से के लोगों से कहना चाहूँगा कि राज्यसभा के महत्व को कायम रखने दीजिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जल्दबाजी में उठाए गए कदमों को रोककर ठीक करने का काम इसी संस्था का है,
ओके ओके, और इसलिए इस लाइट में मैं आपकी okay. इन्होंने जो मामला लाया yes, yes. उसका समर्थन करता yes, yes. और आपसे रूलिंग की मांग करता हूं. ओके, सी व्हाट इज ए मनी बिल एंड व्हाट इज नॉट ए मनी बिल इज वेरी वेल क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. You also on this? No, no. Yeah, yeah. On what he said. You want to suggest yeah. something? Only okay. One okay. Point, boli, boli. One point. No, Subramani Swami. Yes. He referred. Ah, he referred him. Boli. He allowed him. Subramani Swami. After that, I will allow you also. Yeah, mine is a short one. okay. Our good honorable member, Ram Gopal Yadav, said that we have borrowed from the British Constitution, but Britain doesn't have a constitution. How can we borrow from them? They have written. No, that is okay. And written. Okay, yes. राम गोपाल जी ने जो विषय रखा एक सेकंड स्वामी उसके बारे में बोलो स्वामी जी ने मेरा नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता राम गोपाल जी ने जो विषय रखा ये सदन की गरिमा रहनी चाहिए सर मेरा ये कहना है कि प्रतिपक्ष ने ही तो नोटिस दिया सरकार ने इसको स्वीकार किया तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि सदन की गरिमा के लिए जो नोटिस आपने दिया है उस पर चर्चा करवाई जाए. ओके स्वामी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मेरा नाम लिया है yeah. मेरा नाम लिया है और ये कहा कि जिस संविधान की आप बात करते हैं वहाँ संविधान नहीं है. आपको ये जानकारी होनी चाहिए. मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने एमए के क्लासेस को वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ाया है. आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं लेकिन मैंने ही पढ़ाया है. कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है जिसमें कन्वेंशंस हैं जिसमें कॉमन लॉ है जिसमें जुडिशियल जजमेंट्स हैं. इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. okay. ये मत बताने की कोशिश कीजिए इन okay. लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. आई अलाउड यू नाउ नो मोर. आई ऑलरेडी अलाउड यू नो मोर. ओके दैट इज क्लियर. ओके यू मेड योर पॉइंट क्लियर. बोल चुका लोकसभा आपने बोला बैठी लोकसभा के स्पीकर को स्पीकर क्यों कहते अध्यक्ष क्यों नहीं कहते चेयरमैन क्यों नहीं कहते वहाँ से ठीक है क्योंकि तब वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं दे यूज्ड टू स्पीक टू द किंग ऑन बिहाफ ऑफ. ओके लेट अस नॉट फाइट ओवर दिस. ओके ठीक है. एनीहाउ आई वांट टू से समथिंग अबाउट व्हाट मिस्टर नरेश अग्रवाल हैज रेज्ड That I allowed, that's over. No discussion about this. Ram Gopal Yadav said that we have borrowed from the British Constitution, but Britain doesn't have a constitution. How can we borrow from them? They have written. No, that is okay. And written.